2013 का एक बयान सुनाता हूं, तो इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। ईडी को और सीबीआई को मसले को अभी मैं यहां पर पटाक्षेप कर दूंगा, पूरी कहानी को आंकड़ों के साथ। इसलिए 2013 का बयान बहुत जरूरी है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। उनको लगता था ये सीबीआई मोदी कांप जाएगा, मोदी डर जाएगा, मोदी को जेल दिखाई देगी। मैडम सोनिया जी, आपको पता होना चाहिए मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि में पैदा हुआ, झूठ के सामने झुकना हमारी फितरत नहीं है और सत्य के लिए संघर्ष करना यह हमारी आदत है। यूपीए के शासनकाल में 10 सालों में ईडी ने 112 छापे मारे, 112 छापे, और एनडीए के शासनकाल में यानी कि इन 8 सालों में 3000 से ज्यादा छापेमारी की। प्रमुख साहब, ये संजोग है या प्रयोग है? ईडी बनी है तो उसका जो काम है उसे करना चाहिए। ईडी बनी क्यों थी, ईडी का कारण क्या था, बनाई क्यों गई थी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ईडी से चाहती क्या थी? ईडी अपना काम कर रही है, ईडी क्लियर कर रहा हूं मैं। संजोग या प्रयोग, ये भी ऐसा ही प्रयोग होता है या संजोग होता है कि ईडी का कोई वरिष्ठ अधिकारी इस्तीफा देता है, बीजेपी से चुनाव लड़ता है और वो विधायक भी बन जाता है। खैर छोड़िए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो आपने कहा भ्रष्टाचार वाली बात, आज एक बड़ी खबर आई। खबर पता किसने दी? खबर दी आप ही के सांसद वरुण गांधी जी ने। दिखाऊं क्या खबर दी भ्रष्टाचार को लेकर? बहुत बड़ी खबर है, देश को भी जाननी चाहिए। वरुण गांधी जी ने बताया, जो देश को, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि 5 सालों में भ्रष्ट धन पशु, इस शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन आपकी सरकार में माफ हुआ। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में आप देखिए कौन है, जानते हैं कौन है ये प्रमुख साहब? ये लोन माफ जिन जिन के किए हैं आपने, उसमें मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम सबसे टॉप पर है। मेरे को इतना भी बता दीजिएगा, सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है, वो 5 किलो फ्री के राशन वालों का या फिर इनका? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किसी ऐसे भगोड़े का ना तो लोन माफ किया और ना कोई समझौता किया। मालिया की यहाँ 9000, जब उसने खुद कहा था कि 5000 करोड़ की मेरी संपत्ति जमा की है, कोई समझौता नहीं किया। 29 करोड़ का चंदा मिला आपकी पार्टी को, निगम जी की पार्टी ने दावा किया है। देखिए आप इसे अब चंदा की चर्चा नहीं करो ना, मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, आप का बात काटते हो तिलक जी, सुनिए ना, चंदा की चर्चा नहीं। ये जो बैंकों का लान की प्रक्रिया है ना, ये सरकार के आशीर्वाद से नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है इस देश में कि जिसको कहा सरकार में और उसको लान मिल गया। पास आ रहा हूं प्रमुख साहब, ये बार बार लाइव में कमेंट आ रहा है कि भाई ये श्रीकांत त्यागी को लेकर जरा सवाल पूछ लीजिए प्रमुख साहब से, कोई लेना देना है कि नहीं है, वो देखा आपने? अभी उसके बारे में पढ़ा नहीं है मैंने अच्छे से, मैं वैसे क्या बोलूं? प्लीज एक बार सुनाइए प्रमुख साहब को। प्रमुख साहब जहां बीप है समझ लीजिए अमर्यादित शब्द है, वो बार बार जो है हर जगह बीप सुनाई देती है, प्लीज पे करिए। समझी, अगर लगाने पर तो राजगरण कहीं पर बुला के स्टाफ को दो पेड़ के गाड़ रहे, तू फोर हो जाएगी, ये मेरी परामर्श से। किसने कहा? अरे हमने कही दिया भाई, पूरी ये है पूरी, तुम वाली क्या है तो जाओ वाजब वाजब इसे लेके आए थे, अगर राजवीर का ध्यान रखना, तुम चली जाएगी वैसे भी राज करके आज चल कर पाएगी तो चले आज ले। जी 10 सेकंड में, सेकंड में कर दो आप। ये जो भी व्यक्ति है
ये जिस भी पार्टी का है, तो ऑन द वेस्ट मैं कह रहा हूं, आप हमारा चैनल में नंबर जो है ओपन कर दीजिए, आपके पास है तिलक जी, तो हम बैठे हैं, उसके बाद पता की जाएगी ये कौन सी पार्टी का कौन है, कैसी मानसिकता का व्यक्ति है। दिखाऊंगा आपकी सरकार जेल जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं जो इन्होंने, ये जो निगम जी और कौशिक जी की पार्टी के नेता, देखिए तस्वीरों को दिखाने देख लीजिए, तिलक जी कोई जरूरत नहीं है, आपके नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि तस्वीर कोई एविडेंस नहीं होता, फिर दोहरा रहा हूँ आपको, पहले भी दोहरा दिया। अच्छा ये तस्वीर खींचने से कोई किसी पार्टी का नेता नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मर्यादा रहनी चाहिए डिबेट में। मैंने श्रीकांत त्यागी का जिक्र कर लिया तो मैंने मर्यादा पार कर ली। दुनिया की सबसे महंगी गैस खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? अरे छोड़िए ना आप तिलक जी, क्यों गैस की रुपलों की बात क्यों कर रहे हो, जब मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ तो अच्छा, मैं जीडीपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा गैस महंगाई से कोई नहीं लगा रहे, छोड़ दूँ, आप टेक्निकल बात करो ना मुझसे, मैं टेक्निकल बात करो, गैस की बात करोगे फिर मुझसे डीजल और पेट्रोल की अलग अलग बात करोगे, फिर मुझसे आटे और दूध की बात करोगे, मैं पूरी जीडीपी पर चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा विश्व की जीडीपी निकाल कर देख लीजिए, बहुत बढ़िया साथी, की बात ही नहीं बताते हैं। एक कमेंट आया कह रहे हैं कि प्रमुख साहब से पूछिए कि चलिए विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कहते थे कि मनमोहन है, देश के प्रधानमंत्री 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्यों प्रमुख साहब इस बात को मान लीजिए, अगर यही काम मनमोहन सिंह करते देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कि भाई आम आप कैसे खाते हैं, काट के या गुठली के साथ, तो फिर आप लोग क्या हाल कर देते? देखिए मैं सिर्फ 30 सेकंड में पूरा कर दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो और आप जोक दीजिए। नहीं नहीं सर, मोदी जी तो वर्ल्ड फेमस हैं बोलने के लिए। अच्छा मोदी जी जितना तो वर्ल्ड में कोई नेता बोलता ही नहीं, तो कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ती है तिलक जी, जिनके पास समय हो, मोदी जी के पास कहां समय है, बोलते ही तो रहते हैं, कभी विश्व के पटल पर बोलते हैं, कभी मन की बात में बोलते हैं, कभी भारत के उन बच्चों के बीच में जाकर बोलते हैं जिनका सपना होता है। सर ओके आई एग्री विद यू, लेकिन चलते चलते एक बहुत पुराना बयान है, 15 अगस्त 2022 में 9 दिन रह गए हैं, किसानों की आमदनी डबल करने का वादा आपने किया था, उसके 9 दिन रह गए हैं, तो जिन किसानों की आमदनी अब तक डबल नहीं हुई है उनकी अगले आने वाले 9 दिन में डबल हो जाएगी, 15 अगस्त में 9 दिन बचे हैं, आप सब धैर्य रखिए, 16 अगस्त के बाद देश में कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी आमदनी दोगुनी नहीं होगी। इस बयान के साथ छोड़ के जा रहा हूं प्रमुख साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, तैयारी के साथ आऊंगा तिलक जी, तैयारी के साथ आऊंगा आपके लिए, हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए।